Hello all lovelies, welcome back to my channel. I just hope you all are doing well and enjoying your life with your loved one. Today is Monday and I'm going to start my vlog from afternoon जब मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही थी. हर रोज़ ये सोचना और डिसाइड करना कि आज क्या बनाया जाए, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, पर हमें रोज़ ये करना पड़ता है. मैं रोज़ अपने हस्बैंड से ऑफिस जाने से पहले पूछती हूँ कि आपको वापस आने पर क्या खाना है, पर उसी टाइम वो नाश्ता करके बैठे होते हैं और ही जस्ट कांट से एनीथिंग, क्योंकि जब पेट भरा होता है तब आपका किसी और चीज़ का दिल भी नहीं आता. तो बहुत सोचने के बाद मैंने आज डिसाइड किया कि चलो आज मैं माश की दाल बनाती हूँ. तो फिर बस आज मैंने यही सोच कर माश की दाल बनाना शुरू की और उसको मैं बॉईल करके बनाती हूँ और दूसरी तरफ उसका तड़का तैयार कर लेती हूँ, मसाला सारा कुछ. उसके बाद इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देती हूँ. मेरा बहुत सिंपल सा देसी तरीका है, जिस तरह मैं अपनी अम्मा को पकाते हुए देखती थी बिल्कुल वैसे ही पकाती हूँ. हमारे यहाँ दाल वगैरह कुछ भी बने मेरे हस्बैंड शौक से खा लेते हैं, बस ये है कि वो थोड़ा बहुत चटपटा होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए, उन्हें अच्छा लगता है. साथ में अब मैं पुदीने की चटनी बना लूँगी. ये वाली आदत मेरी बहुत बुरी है कि मैं अपने जो स्टोव के अंदर रखती हूँ, ओवन में रखती हूँ अपना ये तवा वगैरह. तो मैंने कल परसों भी एक वीडियो देखी थी कि ये हम देसी लोगों का साइकोलॉजिकल इशू है शायद, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने अपनी अम्मा को भी सारी ज़िंदगी यही काम करते हुए देखा है. तो मैंने डिसाइड किया था कि आज नहीं तो कल मैं इसका नीचे स्टोरेज दिया होता है वहाँ पे रखूँगी तवा वगैरह, या साइड पे भी जगह होती है जो बेकिंग ट्रेज वगैरह हैं ओवन को मैं क्लियर करके रख दूँगी. ये हमारा दिन के टाइम का खाना था जो हम खा रहे थे, ये उसकी वीडियो है. तो बस तो अब ये वाली काम मैंने बिल्कुल ज़रूर करना है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं अपने किचन का जो ओवन है उसको खाली कर दूँगी और अपना तवा वहाँ नहीं रख दूँगी. मैंने खुद से ही डिसाइड किया बस ठीक है बहुत हो गया. ये मैं पिज़्ज़ा लेकर आई थी उस दिन और अभी तक पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ा सा गर्म करके खा लेती हूँ. दिन के टाइम हस्बैंड ये होते हैं फुटबॉल खेलने, वैसे मैं जाया करती थी वॉक करने के लिए, लेकिन आज से वॉक के लिए नहीं जा रही. पिछले दिनों मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही तो मैंने काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स ली हैं, तो आई फील सो वीकनेस, इस वजह से मैं बाहर नहीं जाती हूँ. तो बस यही कोशिश होती है या तो हस्बैंड के साथ थोड़ा सा वॉक कर लूँ, किसी मॉल वगैरह में चले जाएँ या नीचे रात के टाइम किसी टाइम पर. और यहाँ पर अब रात का टाइम हो गया था और फिर से भूख लग गई थी, तो मेरे किचन में तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है एनी टाइम एनी थिंग. मेरे हस्बैंड ने बाहर जाना था, उनका कोई वो था तो खाना उन्होंने उधर ही खाना था, लेकिन वो जाने से पहले कुछ लाइट सा खाना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए सैंडविचेस बना लेती हूँ जो उनकी लंच में भी काम आ जाते हैं. ये वाली सैंडविचेस की अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं इसकी रेसिपी अलग से आप लोगों को दे दूँगी. ये कोल्ड सैंडविच होते हैं जो कि टिफिन में भी रख के दिए जा सकते हैं और मतलब बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत आप इसमें किस्म के वेरिएशन कर सकते हो. म्यूनिस में आप बॉयल एग लेके मैश कर लो, चिकन कर लो, वेजेस कर लो, और ये सारी चीज़ें आप एक दिन पहले तैयार करके रख सकते हो, यानी कि आपका जो मटेरियल है वो आप एक दिन पहले बना के मिक्स करके रख लो फ्रिज में. और जब आपके हस्बैंड ने या बच्चों ने स्कूल या ऑफिस जाना है तो उनको जाने से पहले जस्ट ब्रेड पे स्प्रेड करके लगा दो, तो बहुत इजी होता है और बहुत मज़े का होता है. यहाँ पर मैं अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही थी. मैं यूजली अपने घर की डस्टिंग वगैरह जो है टिश्यू पेपर्स के साथ ही करती हूँ, या मोस्ट प्रेफर मैं करती हूँ वेट टिश्यूज़ को, क्योंकि उनसे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है. एनीवेज ये शाम का टाइम है, शाम का नहीं दिन का टाइम है और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा लगता है भाई देखने में. और तो आज का ब्लॉग इतना ही था, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें और स्टे कनेक्टेड. जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए. और बस इतना सा ही था आज का ब्लॉग, फिर लेकर आऊँगी एक नया ब्लॉग एक नए दिन के साथ. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.